अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई कई तुम जहाँ जहाँ जाते हो ना ऐसे जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते ना तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते, बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते, देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।